कविता पपिता देवी सुनीता सुनील कुमार कदुआ से आप लोग बोर हो रहे हैं इसलिए ठीक है पांच नाम आए। अब मेरा लंबा नाम लिखने का मकसद क्या है कि यह बाउंड्री क्रॉस कर रहा है। यस सर। अब ध्यान देंगे, मैं इस बात का ध्यान नहीं दिया और मैंने रोल नंबर टाइप कर दिया 1 2 3 4 5। अब वो नाम कट गया, तो अब ये बात है कि क्या वो प्रिंट होगा कि नहीं होगा। रिपोर्ट कार्ड तो प्रिंट होना चाहिए सर। तो दिख नहीं रहा है तो क्या करें। अब यही आपको चीज़ मुझे सिखाना है, आप जब कॉलम के बीचों बीच, अब देखिए अब यहाँ माउस के पॉइंटर को समझिए, जैसे ही माउस जाता है, अब यहाँ हमको जूम चाहिए, मुझे जूम चाहिए। आइए, आपका माउस जब तक सेल पर रहता है तो आपका ये प्लस का साइन ठीक, लेकिन ऊपर जाता है तो देखिए कैसे हो जाता है, डाउन एरो की। कोई दिक्कत, कहीं भी जाइए डाउन एरो की आ रहा है, इसका क्या सेंस है समझना है। दूसरी बात, आप अगर इधर जाएंगे तो राइट एरो की आ रहा है। यस सर। तो यहाँ राइट और वहाँ डाउन। डाउन करने से क्या होगा, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ए पूरा नीचे तक सेलेक्ट कर दिया एक ही बार में, एक पूरा कहाँ तक गया है 10,48,576। पूरी कॉलम को सेलेक्ट करना है, उसके सर के ऊपर जाइए, ये तीर दिखाई देगा, क्लिक कर सेलेक्ट हो गया, कोई डाउट। चलो, और अगर इधर से करेंगे तो ये पूरी रो सेलेक्ट कर देगा, क्या करेगा। अब हम इसको जूम आउट कर रहे हैं, अब लंबे में दिखाएंगे। यहाँ देखिए क्लिक किए, क्या हुआ, पूरा सी देख रहे हैं, सारा लाल है। यस सर। टोटल लाल है। यस सर। तो क्या सर एक ही कॉलम सेलेक्ट होगा? नहीं, इस पर क्लिक करके खींच दीजिए, जितना चाहिएगा उतना सेलेक्ट होगा, क्लिक करके खींच देना। तो सिलेक्शन भी सीख रहे हैं धीरे धीरे। उसी तरीके से अगर इस पर एक क्लिक किया तो एक रो सेलेक्ट हुआ, अगर इसको खींच कर अगर हम नीचे तक ले आएंगे तो क्या हो गया, पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट है बॉयज? ठीक। अब यहाँ मायना मेरा सेलेक्ट करना था, नहीं मेरा था कि इस लाइन को कैसे, तो यहाँ एक ये एरो सीखे। अब जैसे ही आप इस दोनों बाउंड्री पर तीर एक और बदला, पॉइंटर आपने तीन सीखा, एक यह है सेलेक्शन पॉइंटर प्लस वाला, इसको बोलते हैं सेलेक्शन पॉइंटर या कॉलम पॉइंटर और या कॉलम एक्सट्रैक्ट पॉइंटर। अब यहाँ आइए, मैं मुझे फिर चाहिए ये वाला मैग्नीफायर। आप जैसे ही जाएंगे आपका एरो, अच्छा पहले यहाँ आइए, बदला। यस सर। इसमें